तो किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेता नरेश टिकैत से फोनों पर बात की, फोन पर आश्वासन दिया, उनको साथ उनकी मांगों को सुना और कहीं ना कहीं किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, समस्या का हल निकालने के लिए फोन पर बात की गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से भी बात की है, बैठक उनके घर पर जारी है। वहीं राजनाथ सिंह ने किसान नेता नरेश टिकैत से भी फोन पर बात की, तो किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद अब समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह किसान नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जहां कृषि मंत्री मौजूद है। वहीं किसान नेता नरेश टिकैत से फोन पर बात की गई कि आखिर किस तरीके से समस्या का हल निकाला जाए। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन समस्या जो है वो बरकरार है। और अब इसी पूरे मसले को लेकर राजनाथ सिंह ने किसान नेता नरेश टिकैत से फोन पर बात की है, साथ ही किसान नेताओं के साथ बैठक उनकी जारी है। बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद है। मांगों की अगर बात की जाए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेकर कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी मेहनत को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर बात की है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से बैठक जो है वो जारी है। बैठक में समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, फोन पर बात कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शन करने के बाद समस्या का हल क्यों निकाला जा रहा है? यह सरकार को पहले संजीदा होने की आवश्यकता नहीं थी? यह पहले संजीदा नहीं हो सकती थी सरकार? हालांकि किसान लगातार चेतावनी देते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर किसानों का कहना था उनकी मांगों की ओर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो सड़कों पर उतरेंगे, हल्ला बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने ऐलान करा, बावजूद उसके पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, सुरक्षा के मद्देनजर पहरेदारी शुरू कर दी गई, लेकिन आंदोलन की तस्वीरें जो आज निकलकर सामने आई, जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता नजर आया 2 अक्टूबर के दिन, इस आंदोलन की ऐसी तस्वीरें, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर ये तस्वीरें कुछ और बयां करती नजर आए कि आज किसान का अन्नदाता सड़कों पर हल्ला बोल रहा है। जय जवान जय किसान, जी हाँ, ये नारा है हमारे देश का। लेकिन हालात इस कदर हो चुके हैं कि प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों को मनाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से अपनी मांगों को हम मनवाए सरकार से। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से बात की है, बैठक की जा रही है, कृषि मंत्री वहां मौजूद है, तमाम ऐसी मांगे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो। साथ ही भी कुछ दिनों पहले ही जब MSP के रेट में बढ़ोतरी की गई थी तब भी किसानों का ये कहना था कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। और अब एक बार फिर किसान हल्ला बोलते नजर आए, सड़कों पर उतरते नजर आए। राजनाथ सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर बात भी की है, समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संजीदा होने की आवश्यकता थी और है भी। अगर इस बैठक से समस्या का हल नहीं निकल पाता तो किसान अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं। हालांकि कोशिश जारी है कि किस तरीके से समस्या का हल निकाला जाए, लगातार मांगे किसानों की देखने को मिल रही है और देश में ही लगातार जो किसान हैं आने दे रहे आपको। और हम क्यों जा भाई पैदल, हमें किसी हकीम ने बता रहा क्या हमें जाना ही है वहां से? हम तो नहीं जाते, हमारा आंदोलन है, हम तो अपने आंदोलन को यहाँ तक ही रखेंगे। दिल्ली पुलिस इतनी मेहरबान कब से होगी कि जी हम जान दे रहे, लाठी भी जरता रही, आंसू गैस के गोले भी छोटी, किसान घायल हो गया, होंगे 500 किसान। राकेश जी, जो एक्शन हुआ है अभी किसानों पे पुलिस द्वारा, उस पर आपको क्या कहना है? भाई एक्शन हुआ तो गलत चीज़ को तो गलत ही कहेंगे, नहीं होना चाहिए था। जो अभी मीटिंग चल रही है सर, उसका क्या? अभी आए नहीं वे लोग, मीटिंग चल रही है अभी। किन किन के बीच में है? राजनाथ सिंह से मीटिंग चल रही है। हमारे किसान साइड से कौन कौन है सर? एक 12 आदमी का प्रतिनिधिमंडल है।
सर, सरकार के बारे में क्या कहना आपका? सरकार का तो जब जनता बताऊगी, किसी से ही पूछ लो, यही देगी सरकार को, सरकार को नंबर जनता। राकेश जी, सरकार के लिए आपको आप क्या मैसेज देना है? सरकार को क्या फूलमाला लेकर जाएंगे? सरकार कहाँ है, ढूंढन तो आए थे भाई। सरकार जब कोई है ही नहीं तो कहाँ है सरकार, हम तो सरकार को ही तो ढूंढ रहे थे। सर, अगला स्टेप क्या होगा आपका? बताएंगे जो लोग गए हुए हैं, उन्हें आ जाने तो बताएंगे फिर सलाह करके। सर, इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन चलता हुआ रहा है, तो साफ तौर पर किसान नेता का कहना है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आए कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जो व्यवहार किया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, धक्का मुक्की की गई, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। अगर आगे की रणनीति की बात की जाए तो कहते हुए नजर आए हैं कि बैठक के बाद ही वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे। किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, बैठक की जा रही है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। किसान नेताओं को प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है वहां पर बैठक करने। कृषि मंत्री भी हालांकि वहां मौजूद है। अब देखना होगा कि समस्या का समाधान निकल पाता है या फिर किसान की रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। क्या एक बार फिर किसान सड़कों पर नजर आएगा? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है किसान नेता राकेश टिकैत को कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन सुबह से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त क्या कुछ हालात है वहां। दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि दिल्ली में कूच करने से पहले ही रोका गया, बैरिकेटिंग लगाई गई। लेकिन किसान भी प्रदर्शन के दौरान बैरिकेटिंग को रोकते हुए नजर आए। और वहीं दूसरी ओर अब जो हालात हैं, बैठक की जा रही, बैठक के बाद देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। तो किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर बैठक की जा रही है, ये बैठक काफी अहम है क्योंकि इस बैठक के बाद ही किसान अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। बैठक में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी मौजूद हैं, वहीं सियासत भी इस पूरे मसले को लेकर गर्म होती नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम का साफ तौर पर कहना है कि आखिर किसानों को क्यों रोका गया, किसानों की मांगे जायज है, दिल्ली सबकी है। तो किसानों का, अन्नदाताओं का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। सड़कों पर उतरे अन्नदाता लगातार अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलते हुए नजर आए। लेकिन आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सुबह से, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर ये प्रदर्शन किया गया, हल्ला बोला गया, वहीं बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, हालांकि आंसू गैस के गोले भी किसानों पर छोड़े गए। पुलिसकर्मी तैनात थे वहां पर हालातों को काबू करने के लिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन आंदोलन उग्र होता नजर आया। वही अब बैठक जारी है, देखना होगा कि बैठक से क्या वाकई समस्या का हल निकल पाता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आश्वासन देते नजर आए, फोन पर बात की गई है किसान नेता राकेश टिकैत से। वहीं साफ तौर पर किसान नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सरकार होती तो ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और ये उनका हक था कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वो सरासर गलत है, ऐसा किसान नेता का बयान सामने आया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अब क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, पिछले कुछ देरी से जो तमाम किसान थे वो बैठे हुए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ किसान दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं।
हालांकि दिल्ली पुलिस अभी वेट कर रही है, अभी किसी तरीके का एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर वो किसान जबरदस्ती दिल्ली की सीमाओं में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो कार्रवाई करेंगे, जैसा कि कुछ समय पहले भी देखने को भी मिला था कि आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अभी कम संख्या में लोग बैरिकेड तक पहुंचे, अगर जत्था पूरा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो दिल्ली पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करती नजर आएगी। जतिन, यानी कि हालात फिलहाल काबू में है? आज बिल्कुल अभी तक तो काबू में है, और लेकिन सुरक्षा सिक्योरिटी की बात करें तो तमाम अभी दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर है और बैरिकेड पर लगातार खड़े हुए हैं। किसी तरीके का हुड़दंग अभी ना तो किसानों द्वारा देखने को मिल रहा है, ना पुलिस आगे से कोई इनिशिएटिव अभी ले रही है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि अगर पूरा जत्था आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ लोग जो बैरिकेड तक पहुंचे हैं वो भी शांतिपूर्वक तरीके से उस बैरिकेड पर खड़े हुए हैं, वहां पर भी किसी तरीके का हुड़दंग नहीं किया जा रहा है। अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है कि हुड़दंग किया जाता है या बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी एक जत्था है जो बैरिकेड तक पहुंचा, बाकी लोग अभी भी जो एक्सप्रेस वे है उसका अंडरपास है वहां पर बैठे हुए हैं। जतन, इंतजार किया जा रहा है जिस तरीके से राजनाथ सिंह जो है वो बैठक ले रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार करेंगे किसान नेता? आज बिल्कुल, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है राजनाथ सिंह से अपनी मांगों को लेकर, वहां पर मुलाकात भी की जा रही है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी कि जो किसान नेता है वो भी कुछ देर में बाकी किसान जो कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं उनको संबोधित करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि राजनाथ सिंह द्वारा जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग चल रही है, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है और उसी निष्कर्ष के आधार पर आगे किसान क्या रणनीति बनाते हैं। क्योंकि किसान साफ तौर पर ये बोल चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो हर वो संभव कोशिश करेंगे दिल्ली की सीमा में दाखिल होने के लिए, राजघाट किसान घाट तक पहुंचने के लिए तमाम वो तैयारियां करकर पहले से हैं। बस इंतजार है कि मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। जतिन, क्या सरकार को पहले जरूरत थी संजीदा होने की? जिस तरीके से हालात आज बेकाबू दिखे हैं, हालांकि किसान पहले ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब चर्चा की जा रही है, अब बैठक की जा रही है, आखिर वजह क्या है? जिस तरीके से अगर पहले संजीदा होती सरकार तो शायद आज 2 अक्टूबर के दिन ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने नहीं आती। जी देखिए, ये बात उस आधार पर है कि किसानों की मांग क्या है। किसानों की मांग है कि उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार ये बोलती है कि वो लगातार MSP को बढ़ा रही है और हाल ही के दिनों में जो फसलों की MSP है उसको बढ़ाया भी गया। इनकी मांग है कि उचित जो बीमा है वो मिल सके। जो केंद्र सरकार है वो बीमा जो है वो अपनी योजना चालू कर चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर उसको फायदा नहीं पहुंच रहा है। जो इंश्योरेंस कंपनी उनकी फसल की लागत के जितना भी इंश्योरेंस जो है वो नहीं दे पा रही है। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ये दावा पिछले 3 सालों से करती आ रही है कि वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों का किसानों पर हुए निर्मम लाठी चार्ज और अश्रु गैस की मैं निंदा करता। सर, गिरिराज हैं कि वो भी राम मंदिर बनाने में मदद करें, क्योंकि वो भी उन्हीं के प्रूफ है। श्री गिरिराज सिंह अपने नकारात्मक और उत्तेजनात्मक बयानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अरुण जेटली हमला बोल रहे हैं जो ILNFC का मामला है उस पर, कांग्रेस के ऊपर। चुनाव के दिन है, आरोप प्रत्यारोप डे टू डे की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। शरद यादव सहयोग नहीं कर रहे हैं राफेल पर, अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से कहेंगे। राफेल का हाल बोफोर जैसा होगा। तो साफ तौर पर बैठक जो है वो जारी है और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है, सियासत भी गर्मा रही है इस पूरे मसले को लेकर। चूंकि किसान का अंदाजा सड़कों पर है तो सियासत होना लाजमी है। हालांकि तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन, जिस तरीके की आप तस्वीरें निकल कर सामने आती है, अगर बैठक में समस्या का हल नहीं निकलता तो क्या एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं? जतिन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला दूसरी तस्वीरों में, सड़कों पर अंदाता उतरते हुए नजर आए, वाटर कैनन का हालांकि इस्तेमाल किया गया। अब देखे जा सकते हैं लगातार जो पुलिस प्रशासन है आंसू गैस के गोले बरसा। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप।